नमस्कार दोस्तों, माँ मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबका स्वागत। आज एक नया प्रॉब्लम और नया वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और सारी दुकानदारों के इसी में प्रॉब्लम होता है। जियो मोबाइल फोन में, जियो मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम है। ये जियो 220 का मॉडल है और जियो 220 का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, चार्जिंग प्रॉब्लम होता है। अभी आप उसके बारे में बात करेंगे कि चार्जिंग प्रॉब्लम हो जाए तो आप कैसे इसका सलूशन करेंगे जियो 220 में। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट लेता है, जैसे कि जियो मोबाइल फोन में चार्जिंग सेक्शन, ये चार्जिंग पिन है, यहाँ पर पांच लाइन यहाँ पर होता है। सबसे पहला होता है जो जिसके बारे में काम इनपुट होता है, यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट होता है और जो लास्ट का लाइन है GND, मतलब हमारा ये लाइन जो है ये बिल्कुल ग्राउंड है। ठीक है, ये लाइन हमको सही तरीके से चेक करना पड़ेगा कि ये इनपुट 5 वोल्ट लाइन कहां से प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ये चार्जिंग पिन का फॉइल टूट गया हो, तो सबसे पहले चार्जिंग पिन चेंज करके देखना पड़ेगा आपको, यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है मतलब चार्जिंग पिन हमारा सही है। उसको बाद क्या करना है, यहाँ से जो लाइनिंग है पूरा लाइनिंग हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से कहाँ तक चार्जिंग का सेक्शन का हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, अगर यहाँ 5 वोल्ट दिखा रहा है हमको, ठीक है, तो हम डायोड का इस पोजीशन में आएंगे। यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, डायोड का इस पोजीशन में अगर 5 वोल्ट दिखा रहा है सही है, तो यहाँ से एक कॉयल लगा हुआ है, देख रहे दोस्तों एक कॉयल है और कॉयल के, ठीक है, कॉयल से भी वोल्टेज होते हुए ये वोल्टेज आ गया है कैपेसिटर में। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर का ये ग्राउंड सेक्शन है और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव सेक्शन है। और यहाँ से ये कैपेसिटर वो के लाइन जो है यहाँ से सीधा आता है हमारा OVPIC में। ये है हमारा OVPIC, जिसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कभी वोल्टेज अगर आपके चार्जिंग पिन से ज्यादा वोल्टेज आ गया, 5 वोल्ट से भी ज्यादा आ जाए, तो उसको ओवर वोल्टेज जो होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर एक आईसी लगा कर रखा है, इसका बोलते हैं हम OVPIC। OVP की आईसी क्या होता है, यहाँ से वोल्टेज आता है सीधा हमारा कैपेसिटर का इस लाइन में। अगर यह आपको 5 वोल्ट दिखने में मिल जाए, ठीक है, तो आपका यह चार्जिंग पिन से इस कैपेसिटर तक जो लाइन है ये लाइन बराबर सही है। अगर यहाँ से 5 वोल्ट नहीं दिखा आपको, अगर यहाँ 5 वोल्ट आपको दिखने लगा, तो हमारा OVPIC खराब है। ये देखना है कि हमारा OVPIC खराब है या यहाँ से कोई लाइन मिसिंग है। अगर यहाँ से लाइन मिसिंग होगा तो आपको यह 5 वोल्ट दिखने में हर स्टेप आप देखते जाएंगे, यहाँ कौन सा लाइन मिसिंग है, ठीक है। तो ये लाइन का कॉयल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कॉयल के बाद कैपेसिटर है, यहाँ पर देखते रहना पूरा लाइन सही है कि नहीं है 5 वोल्ट। अगर यहाँ तक सही हुआ, इसको बाद क्या करना है, तो क्या क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो कि जीना डाइट की मदद से डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर में लगा देता है। ये गलत तरीका है, क्योंकि इसका चार्जिंग आईसी जो है जियो मोबाइल फोन का, इसका चार्जिंग आईसी सीधा हमारा पावर आईसी के साथ कनेक्टेड है। जियो का जो चार्जिंग आईसी है दोस्तों, ये हमारा पावर आईसी जो है ये पावर आईसी के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका जो लाइन है 5 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है, तो हमको और एक चीज देखना है, ये लाइन हमारा सीधा आया है इस कैपेसिटर का इस पॉइंट में। अगर यहाँ चेक करेंगे हम कि हमारा वोल्टेज जो है यहाँ तक वोल्टेज आया कि नहीं आया, अगर कैपेसिटर का इस पॉइंट में आपका वोल्टेज दिख रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट आपको दिखने मिल जाए, तो सोचिए कि हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल हमारा सही है, ये लाइन हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ तक चार्जिंग अगर सही दिखाया तो ये 5 वोल्ट आ जाए तो हमारा लाइन बिल्कुल सही दिखा। अभी देखेंगे इसमें 5 वोल्ट हो, यहाँ से होकर इस तरह हमारा पावर आईसी में ऐसे प्लेस में आ जाता है और पावर आईसी की इसी प्लेस में, ठीक है, इसी प्लेस से और एक वोल्टेज ऐसे निकल के आता है जो कि इस कैपेसिटर का इस पॉइंट में आता है और यह होकर सीधा ये लाइन आता है हमारा इस लाइन में। यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आता है सीधा ये लाइन आता है, ठीक है। तो अगर ये जो लाइन होता है, ये होता है हमारा 4.2 वोल्ट का लाइन है, जो कि चार्ज होने के लिए जितना वोल्ट चाहिए वो वोल्ट यहां से आता है। अगर ये वोल्ट यहाँ तक 4.2 वोल्ट आपका सही आ गया, तो आपका ये वोल्ट यहाँ पर सही आ गया, तो मतलब आपका चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है सलूशन हो गया। जो कि ये जो आईसी है, ये चार्जिंग आईसी भी है, पावर आईसी भी है, क्योंकि जियो का चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों सेम है, एक ही आईसी है। यहाँ से आईसी सीधा कैपेसिटर में आया, कैपेसिटर के डायोड के थ्रू सीधा चला गया हमारा बैटरी कनेक्टर में, जहां पर आपको देखने मिल जाएगा 4.2 वोल्ट। अगर 4.2 वोल्ट आ गया तो आपका मोबाइल फोन जो है वो चार्ज होने शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका जो मोबाइल फोन है दोस्तों जियो का, और जियो का जो BSNL लाइन है दोस्तों, अगर BSNL का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो BSNL का लाइन आता है आपका सीधा, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से आपका BSNL लाइन आता है
और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक काम करते हैं आपका बीएसआई लाइन का, ठीक है ये बीएसआई लाइन है। अगर यहाँ से सीधा आप यहाँ पर जंपर कर सकते हैं, अगर बीएसआई लाइन टूट गया या खराब हो गया उसके वजह से चार्जिंग नहीं शो कर रहा है तो प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप सीधा यहाँ जंपर कर सकते हैं। ये है हमारा जियो का 220 जो मॉडल है, 220 मॉडल का पूरा कंप्लीटली चार्जिंग प्रॉब्लम का सलूशन, जो पूरा डायग्राम के हिसाब से हमने आपको बता दिया, ठीक है, जो आपको बर्नियर स्कीमेटिक वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। जो हमारा इंस्टीट्यूट में काम सीखना चाहता है वो हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि हमारा फेब्रुअरी तक बुकिंग ऑलरेडी कंप्लीट है, मार्च महीने का भी बुकिंग चल रहा है। जो मार्च महीने में काम सीखना चाहता है स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल आइकन बटन है दबा दीजिए, हमारा जो वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जितना सारा डिटेल्स और भी अगर जानकारी चाहिए आपको तो हमारा यूट्यूब चैनल में कमेंट में आप बताइए, और जितना कमेंट करेंगे हम उतना ही आपको डिटेल्स में जानकारी दे पाएंगे।